हमरा नाम के मेहंदी हो, हमरा नाम के मेहंदी भुला जाइबु का हो, शादी होते जान भुला जाइबु का हो। सो हेलो गाइज, आप सबके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग काइन मास्टर से कुछ इस तरह का डीजे टेम्पलेट बनाना सीखेंगे जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग भी अपने काइन मास्टर से इस तरह का डीजे टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का ढांसू सब वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इस तरह का डीजे टेम्पलेट बनाने के लिए आपको अपना फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। गाइज अगर आप लोग भी मेरे तरह एक प्रोफेशनल काइन मास्टर को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। गाइज आपको ऊपर में मीडिया का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको सिंपली बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर कोने में सही का एक चिन्ह मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। गाइज अब आपको बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है। बढ़ जाने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस मैं यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा इफेक्ट सब डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ से आपको सबलाइम स्पार्क इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस ये वाला इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट मोड का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। गाइस ध्यान रहे आपके फोन में इंटरनेट ऑन रहेगा तभी आप ये सभी इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबलाइम स्पार्क इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको सबलाइम स्पार्क का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। देन आपको ये वाला इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे कट कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, देन ऊपर में सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला इफेक्ट लग चुका है। गाइज इसका भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है। अब आपको इसके ऊपर डीजे लाइट लगाना है, तो उसके लिए आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ से आपको लाइम लाइट वाले इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। गाइज इसे भी डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके गेट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डेकोरेटिव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइम लाइट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे कट कर देना है, देन आपको सबसे नीचे के इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऊपर में सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसे थोड़ा सा जूम करके इसे कुछ इस प्रकार से कोने में सेट कर दीजिए, देन इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लीजिए। बढ़ा लेने के बाद आपको कोने में 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका लाइट दोगुना हो चुका है और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। अब आपको फिर से एक लाइट को ला के उस कोने में लगा देना है, तो उसके लिए आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। देन थोड़ा नीचे की ओर आना है, यहाँ से आपको लाइम लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे वाला लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। देन सही की
चिन्ह पे क्लिक कर देना है। गाइस आपको इसे रोटेट कर लेना है, तो उसके लिए आपको रोटेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे यहाँ से रोटेट कर ले। रोटेट हो जाने के बाद आपको थोड़ा इसे जूम करके कुछ इस प्रकार से कोने में अच्छे सेट कर देना है। सेट हो जाने के बाद आपको इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है और फिर इसे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका लाइट दोगुना हो जाएगा। गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, सो प्लीज ब्रो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ से हम डीजे वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइज ये सभी मटेरियल्स का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज आपको डीजे टेम्पलेट पे क्लिक करना है, देन नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करके इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप हो जाने के बाद अब आपको चले आना है क्रोमा की के ऑप्शन पे, देन यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि इसका ग्रीन स्क्रीन आसानी से रिमूव हो चुका है। अब आपको इसे अच्छे से बीच सेंटर में कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट हो जाने के बाद अब आपको इस पे अपना फोटो लगाना है, तो उसके लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप अपना एक अच्छा सा फोटो को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे आना है, देन यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन हो जाने के बाद आपको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ से आपको राउंड वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे अच्छे से कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप हो जाने के बाद आपको सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसे अच्छे से इसके अंदर कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट हो जाने के बाद अब आपको इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। गाइज अब आपको इसके दोनों कोने में लाइट को सेट करना है, तो उसके लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है, देन नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको फायरवर्क पार्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे नीचे वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है, देन आपको इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके इसे कोने में सेट कर देना। देन आपको इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ से आपको इसका एक डुप्लीकेट फाइल को उस कोने में कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक म्यूजिक अप डाउन वाला इफेक्ट को लगा देना है, तो उसके लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज मैं यहाँ से म्यूजिक अप डाउन वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको इसे फुल स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट हो जाने के बाद अब आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे चले जाना है, देन यहाँ से आपको इसे फुल्ली क्रॉप कर लेना है। क्रॉप हो जाने के बाद अब आपको चले आना है क्रोमा की के ऑप्शन पे, यहाँ से आपको इसे इनेबल कर देना है। गाइज मेरे पास एक डीजे वाला पीएनजी है, मैं उसे यहाँ पे लगा देता हूँ, तो उसके लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए गाइज अब हम यहाँ से अपना डीजे वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है, देन इसका भी ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। अब आपको ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करके डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए गाइज इसका एक डुप्लीकेट को हम उस कोने में सेट कर देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा डीजे टेम्पलेट पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसे प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर देना, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए कैन मास्टर से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ।